Guys, welcome to Circuit Traders. Tomorrow Nifty prediction. और आज मैंने आपको क्या गाइड किया था और मार्केट कैसे होता हुआ दिखाई दिया है उसके ऊपर पहले चर्चा करूंगा। मैंने आपको कल का वीडियोस में बताया था कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है और धीरे धीरे इस रेंज को डाउन ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा एक्सपायरी का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ओके, बट वो चीज़ नहीं हुआ। मार्केट एक गैप डाउन, अब देखो गैप डाउन या गैप अप किस वजह से होता है ये मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि जब ग्लोबल मार्केट का स्थिति एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर पड़ता है तो एसजीएक्स निफ्टी डाउन या आपका चलते हुए इंडियन मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ता है, राइट। तो वही होता हुआ दिखाई दिया, एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट डाउन, तो हमारे निफ्टी के ऊपर भी एक भारी सेलिंग प्रेशर प्री ओपन मार्केट में आया और मार्केट को यहाँ पे ओपन किया। तो ओपन करते ही मार्केट शूट अप यहाँ से पॉजिटिव हुआ, क्यों, वाई? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि हमें एक दो चीज़ देख के पूरा मार्केट को प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो रिलायंस जो है मार्केट का दिग्गज, रिलायंस एक सपोर्ट पॉइंट पे था। आप बोलेंगे सर क्या सपोर्ट पॉइंट पे था, तो चलो वो भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ से ओपन होकर मार्केट सीधा रिकवरी हुआ, रिकवरी होकर कहाँ तक हाई बनाया, देखो जो मैं कल का रेंज बताया था कि इस रेंज पे मिल जाता है तो आप यहाँ पे सेलिंग करो, यानी कि यहाँ पे आके आपको 17,300 का पुट बाय करो, ठीक है। मैं बताया था इस लेवल पे मिल जाए तो यहाँ पे आप 17,200 का कॉल बाय करो, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया था, यूज एंड एक्यूरेसी के साथ कॉल हुआ था आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने देखे होंगे कि जिल के अंदर कैसे लिखा था, आज होंगे माला माल कॉल देने से पहले टेलीग्राम चैनल पे ही लफ्ज लिखा था, आज होंगे माला माल जिल का ये कॉल। ओके, 20 तक जाता हुआ दिखाई दिया है जिल का कॉल ऑप्शन। उसके बाद पीबीआर पिन पॉइंट टारगेट हुआ, निफ्टी के ऊपर हमने 64 पे दिया था जो 94 एंड 104 तक जाता हुआ दिखाई दिया, एंड बैंक निफ्टी का एक अचानक मूवमेंट, और इसमें अचानक मूवमेंट आएगा ये मैं पहले से ही आगाह कर दिया था जिन्होंने 25 मार्च का सीट बुक किए हैं सरकार ट्रेडर्स के अंदर, यानी कि कल जो हमारा क्लास हो रहा है उसमें जिन्होंने सीट बुक किए हैं उनको हमने ये वॉइस मैसेज दे रखा था, ठीक है, मूव आने से पहले कि आप पहले बाइंग ऑर्डर लगा के रखो, नहीं लगा के रखोगे आपको मिलेगा नहीं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आई होप कि आप इसमें जुड़ गए होंगे। तो अब कल का सिचुएशन कैसे रह सकता है इसके ऊपर जिक्र करते हैं। तो देखो जब उसके बाद का जो ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे आपको एक बियरिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल, तो जैसे जैसे बियरिश कैंडल हुआ है, अगर आपको पास कैंडल स्टिक का थोड़ा सा समझ है तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपने लिए होंगे। मैं जस्ट जब लाइव सेशन खत्म किया था उसी टाइम में गिरावट आया था, उसी टाइम मैं 10 मिनट्स के लिए मार्केट से थोड़ा बाहर हो गया था, 10 to 15 मिनट के लिए, और जिसके अंदर ही ये गिरावट हमें दिखाई दे दिया गया था। चलो अब मैं नेक्स्ट डे के लिए बात करता हूं कि निफ्टी मुझे जहां तक लगता है अभी एक रेंज में रहने वाला है कल का दिन। इसका पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है कि मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम कल के दिन पे आएगा, ठीक है, बट रिलायंस और आईटी सेक्टर एक ब्रेकआउट दिया है, ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस एंड आईटी सेक्टर ब्रेकआउट दिया था, तो कल के लिए आप वेट कीजिए, जब 17,300 के ऊपर मार्केट अच्छे से सस्टेनेबल हो जाता है तो भी आप इसके ऊपर बाइंग साइड के लिए बढ़िया मौका ढूंढेंगे। अदरवाइज 17,150 जो आज का लो बनाया है, ये जो 150 पॉइंट का रेंज है इसका बीच में आपको मार्केट फंसा सकता है। अगर इस लो ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई देगा तभी जाके हमें फ्रेश पुट्स पोजिशन का लेना है, अगर ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा तभी हम कॉल साइड मिलें। अब बोलेंगे सर कौन सी कॉल या कौन सी पुट ले, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो रूटीन है, आपका जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज करो कि मुझे 100 रुपीज वाला कोई स्ट्राइक प्राइस है सीई एंड मुझे 100 रुपीज वाला कोई पीई। हर रोज मैं यही सर्च करके रखूंगा, प्लेटफॉर्म पे रखूंगा, इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर टेक्निकल लगा के आप ट्रेडिंग करोगे। तो यहाँ तक आपको सिनारी क्लियर है। मैं कल के लिए जो निफ्टी का रेंज मैं बताऊंगा तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपको 17,100 एक रेंज मिल जाता है, यहाँ पे 17,150 को ब्रेक करने के बाद 17,100 एक लास्टली सपोर्ट बन जाता है अगर मार्केट इस जगह पे रुक जाता है, ठीक है, बट 100 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में कोई चारा नहीं रहेगा, ठीक है, कि 17,000 ना आए और उसके बाद और गिरावट ना आए, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, मुझे ओवरऑल सिचुएशन इस जगह को सस्टेनेबल होता हुआ एंड यहाँ से पॉजिटिव नेस धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे सकता है जब तक इस लेवल के ऊपर हम बने हुए हैं, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो बैंक निफ्टी आप कोटक महिंद्रा बैंक HDFC बैंक सब मिलकर आज बैंक निफ्टी को गिराया है, तो अभी जो सिचुएशन है कोटक महिंद्रा बैंक एक दोजी कैंडल टाइप का बनाया है और साथ में HDFC बैंक एक सपोर्टिंग पॉइंट पे है,
ठीक है। तो कल के दिन अगर HDFC बैंक आज का लो को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिएगा जो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स है, अगर आज का लो को ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर फिर से एक डाउनसाइड आपको मिलेगा और वो आपको अगेन 400 से 500 पॉइंट का डाउनसाइड आपको बैंक निफ्टी के ऊपर दिखाई दे सकता है, राइट। अब मैं क्लियर पॉइंट यहां पे बताऊंगा जो बैंक निफ्टी किस किस पॉइंट पे आपको कल के लिए सपोर्ट ले सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 35,400, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट रहता है और इसे अगर ब्रेक करेगा तो कल के लिए जो सपोर्ट बन जाएगा 35,150, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, 35,400 को ब्रेक करने के बाद 35,150 ये आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा कल के लिए, ठीक है। बट देखो इसके नीचे अगर चलना शुरू हुआ है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम पे और ज़्यादा गिरावट आने को दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट अभी तक बना हुआ है वो 250-200 यानी कि 35,250 एंड 150 इस रेंज के बीच में एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहीं से बाउंस बैक आता है तभी जाकर मार्केट यहां से सुधरेगा, अदरवाइज मार्केट के लिए खराब स्थिति आने वाला है। तो क्या होगा यहां पे, अब देखिए क्लियरली इस चीज को समझो, ठीक है। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कीजिए और इंटरडे के अंदर छोटी प्रॉफिट लेके आपको अगर निकलना है तो ये जो मैं रेंज यहाँ पे दे रहा हूँ इस रेंज के अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रेंड लाइन को हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ तक रेजिस्टेंस बन सकता है, इसे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट लेके आप मार्केट से निकल जाओ। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, 10,000 में अगर दिन में सेफली तरीके से 1,000 या 2,000 रुपये मिल रहा है, बहुत है, बहुत रिटर्न है। तो अगर दिन में एक ट्रेड करोगे ना, 10,000 में एक ट्रेड करोगे तो 1,000 रुपया तो बड़ा आराम से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो बहुत क्लियरली मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, जब मेजर सपोर्ट कहाँ पे बनता है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो स्टॉक मार्केट बहुत ही क्रिटिकल आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो इसे समझने का कोशिश कीजिए। लास्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ आईटी सेक्टर, जो मैं निफ्टी के ऊपर पॉजिटिवनेस का बात कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आईटी सेक्टर का वन डे का चार्ट समझने का कोशिश करो। देखो इतने दिनों से क्या है, इस रेंज के अंदर है आईटी सेक्टर, ओके। अब एक आज हाई बनाया है, कल अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन आ सकता है और निफ्टी के अंदर भी कमजोरी आ सकता है, बट अगर इस हाई को ब्रेक करके सस्टेनेबल हो जाता है आईटी सेक्टर तो आईटी सेक्टर में मजबूती आएगा। और सिमिलरली आपको जब रिलायंस का चार्ट दिखाऊंगा तो यही सिनेरियोस आप रिलायंस के ऊपर देख पाएंगे। मैंने आज आफ्टरनून दोपहर के बाद टेलीग्राम सेशन पे लिखा था कि रिलायंस के ऊपर तेजी आ रहा है तो निफ्टी पॉजिटिव जाएगा, तो वहां से क्लियरली पॉजिटिव चला गया है। अब देखो रिलायंस काफ़ी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट पॉइंट को ब्रेक करके रुका है, तो कल के लिए जो रिलायंस का और तेज का टारगेट रह सकता है वो 2605 तक, 2605 तक का लेवल कल के लिए रह सकता है आज का हाई ब्रेक होने के बाद। और इतना अगर हाई ब्रेक होगा आईटी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा तो निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पे केयरफुल रहिए। ओवरनाइट का मैं कोई बात नहीं करता हूँ कि अगर आपने ओवरनाइट किया तो उसको क्या होगा, तो ओवरनाइट करना भी नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ओवरनाइट करना भी नहीं चाहिए, इंटरडे के अंदर ही काम कीजिए, ठीक है। तो आपको ये सिनारिस समझ में आया, निफ्टी का सिनारिस क्या है एंड बैंक निफ्टी का सिनारिस क्या है। अब मैं आपको लेके चलूंगा ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन से क्या स्थिति समझ में आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं कि आज एक्सपायरी डे जस्ट खत्म हुआ है या न्यू एक्सपायरी शुरू हो गया है, यानी मंथली एक्सपायरी शुरू हो गया है, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एनएससी इंडिया का साइड में देखें तो डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, इंडलको, टाटा स्टील, ये सारे टॉप गेनर पे थे, 29 कंपनी जो है वो टॉप गेनर पे चलता हुआ मिला है आज, ठीक है। 21 कंपनी है जो डिसएडवांटेज में मिला है और एडवांटेज में 29 कंपनी। अब देखो मार्च सीरीज का जो लास्ट मार्च सीरीज का हमारे को एक्सपायरी अभी देखना है, तो इसमें जाके जो सिनारिस ऑप्शन चेन पे आ रहा है, देखो ऑप्शन चेन काफ़ी हद तक हमारे को मार्केट को ओपनिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनारिस है देखो 17,200 एक बेंचमार्क बना दिया है, बेंचमार्क कैसे कि कॉल साइड में 39,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में 31,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा काटे का टक्कर है। तो यहाँ पे 70,200 को ब्रेक होने के बाद मार्केट धीरे धीरे 70,300 की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। बट 70,200 ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, इसे ध्यान दीजिए, चलो ओके। तो ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना अगर समझ लीजिए और इसी को समझते हुए जब इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियोस देख के कुछ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो आई होप कि आप मार्केट का एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हैंड होल्डिंग हम हमारा इस कोर्स के माध्यम से देते हैं। तो कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, अभी तक आप सीट बुक नहीं किए हैं तो सीट बुक कर सकते हैं सरकार ट्रेडर्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको महत्वपूर्ण सुझाव जरूर लिखिए।